आरसीबी के फैंस को भी पता है और आरसीबी वालों को भी पता है, वो तो बहन जो एक साल से एलिमिनेटर खेल ही रहे हैं, तो भाई आरसीबी के लिए एलिमिनेटर मायने रखता ही नहीं है ये। वो अपना जैसे खेलते आ रहे ना एक महीने से, 25 अप्रैल के बाद से, जैसे वो तूफान मचा के लाए, और वहीं पर राजस्थान है जो 25 अप्रैल के बाद से अपना ही तूफान उखाड़ रखा उन्होंने, तो भाई दोनों वो बिल्कुल कोइंसिडेंस पे चल रही है। एक टीम लगातार 6 मैच जीत के, एक टीम लगातार 5 मैच हार के आई है, तो भाई ये तो तूफानी मैच होने वाला है। और जितना आरसीबी फैंस खुश हो रहे हैं ना कि जैसे कफन बांध के खेल रहे हैं, ये कफन बांध के खेलने वाला ना इस मैच में भारी पड़ सकता है। और भाई अब दिल मत तोड़ना, क्योंकि क्योंकि एक टाइम के लिए सीएसके वाले मैच में हार के क्या होता यार, चलो हम प्लेऑफ नहीं गए, अब तो मेरे को सपने में भी थोड़ी थोड़ी ट्रॉफी, मैं मेरे सपने देखता हूँ भाई साहब, ट्रॉफी दिख रही होती है मुझे। एक तो इंडिया ने मेरा दिल तोड़ दिया, अब तुम लोग मत तोड़ना, तो भाई प्लीज थोड़ा देख भाई लेना। देखो एक टाइम की बात है, जब 2016 का टाइम था शायद, हाँ कि सोलह जब विराट कोहली ने कहा था उसका सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक कब हुआ था, T20 वर्ल्ड कप भी हारा था और उसके बाद आरसीबी की ट्रॉफी भी नहीं जीती विराट भाई थी एक बात बताओ, 2023 का वर्ल्ड कप की हार नहीं चुभी क्या आपको? भाई। नहीं वही तो सबसे बड़ी बात लगी, अभी जो विराट भाई ने बताया ना हाँ कि सबसे बड़ी हार का कौन सी लगी उन्हें, 2016 अच्छा वाली, अच्छा क्योंकि कप्तानी नहीं थी ना 2023 में, तो कप्तान तो रोहित शर्मा थे। कप्तानी रोहित शर्मा थे, तो उन्होंने उनको चुभन वो हुई थी, और ये चुभन अब फिर से उन्हें हो सकते हैं, क्योंकि फिर से वही मौका आ गया 2024 में भी क्वालिफाई करके, अगर फाइनल खेलते हैं और अगर हार जाते हैं, और 2024 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो भाई कोइंसिडेंस हो जाएगा। भाई इनके फैंस को थोड़ा वास्तविकता में रहना चाहिए, और वो हाँ वास्तविकता ये है कि तुम क्वालिफायर में नहीं खेल रहे, कि साला हाँ हारे तो भी एक मौका तो है भी एक मौका भाई, है बहन चोद मतलब एलिमिनेटर भाई, जीतना लेकिन है। इनके फैंस को तो खुशी है ना यार। आप ये तो देखो, आपके जो 6 मैच थे वो इनके सारे एलिमिनेटर थे भाई, अगर ये कोई भी मैच हारते हाँ। तभी बाहर हो जाते। नहीं वो मैं मानता हूँ कि जो इनका कमबैक हुआ है वो नॉर्मल कमबैक नहीं था, एक तो बात हो मतलब 10 मैच जीत के प्लेऑफ गए हैं तो भी इतनी खुशी मना रहे हैं। नहीं हाँ मैं समझता हूँ कि हाँ मतलब बैंचो इंपॉसिबल था और वो कर दिया, बट भाई फिर भी एक एटीट्यूड होता है, एक तरीका होता है, सामने वाले को हराया ऐसे थोड़ी बिल्कुल उसको पैर के नीचे दबा दोगे। हाँ भाई हार जीत चलती रहती है भाई, जिसको तुमने हराया है उस पे भाई क्या क्या है, तू तीन तुम्हारे पास आईसीसी ट्रॉफी है उस पे, हाँ और 5 IPL ट्रॉफी है, और वो तो इस साल कैप्टन भी नहीं और है। यार दूसरी बात, तुम्हारे खुद के जो प्लेयर हैं वो भी कितने हम्बल है। विराट कोहली का क्या है, वो जो एटीट्यूड होता है यार, वो सेलिब्रेशन वो गेम में इन्वॉल्व बनता है, उसमें ऐसा इंसान कोई कमी नहीं है। तो भाई अपने उन्हीं बंदों से सीखो और मतलब मैच पे फोकस करो और अपने प्लेयर को सपोर्ट करो, बेंचोड अगर हार गए तो तुम कभी उन्हीं के घर जलाने चले जाओ, मैं तो यही हाँ कहूंगा। यही सही बात है। देखो लेकिन जो आरसीबी फैंस है ना, मेरे को ऐसा नहीं लगता वो ये करते हैं, वो देखो विराट कोहली पे पूरे डिपेंडेंट है, और वो विराट कोहली की वजह से आरसीबी फैन है, और वो ऐसा नहीं करते कि भाई नहीं तो 17 साल हो गए अभी तक ये कप नहीं जीते, नहीं तो अभी तक कर देते, लेकिन ऐसा तो इन्होंने नहीं करा। तो फैंस तो लॉयल है अपनी फ्रेंचाइज को लेके, तो वो तो चलो फैंस की हम तारीफ कर ही रहे अलग से, लेकिन बात आती है टीम की, मैच की। भाई राजस्थान जैसे मैच हार के आई है ना, और ये ऐसी टीम है भाई, ये तुम्हें उंगलियों पे नचा सकती है, जो इन पे बॉलर है ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बरकर, यूजी चहल, अवेश खान, संदीप शर्मा, मतलब इतने तगड़े तगड़े बॉलर है ना। और इस बार तुम एलिमिनेटर में देखना भाई, अहमदाबाद की पिच है, अगर आरसीबी पहले बैटिंग करने गई ना वो चुदने वाली है, मेरे को तो पूरा लग और रहा मुझे है लग रहा है चेस करेंगे तो चुदेंगे, क्योंकि भाई चेस करेंगी, आपको पता है भाई अहमदाबाद का ग्राउंड है, भाई। अच्छा ग्राउंड सबसे है, बड़ी ये सब चीज छोड़ो, विराट कोहली फ्लोप है बिल्कुल अगले मैच में, और वो फ्लोप है तो आरसीबी नहीं जीतने वाली। तो मतलब वो तो आपकी प्रेडिक्शन हुई ना, तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर तुम भाई अगर वो चेस करेंगे, क्योंकि अहमदाबाद का ग्राउंड है अच्छा, अच्छी पिचिंग ग्राउंड है, राजस्थान आपका 180 से 200 के बीच का टारगेट प्यार से दे सकती है, अगर ऊपर से नांद्रे बरकर या ट्रेंट बोल्ट में से किसी ने भी कोहली को ले गए, दो भी ले गए ना गलती से, 2 विकेट मैं आ कह रहा गए। हूँ सिर्फ कोहली भी ले गए, क्योंकि डुप्लेसी आपके स्लो हो जाते हैं और पापले के बाद वो भी कोई खड़ी कर देंगे, आउट हो खड़ी कर जाएंगे, देंगे, आउट हो तो भाई जाएंगे आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि रजत पाटीदार वहां आके खुल के नहीं खेल पाएगा। भाई, रजत पाटीदार को यूजी चहल राम से ले जाएगा, इधर नहीं टिकने देगा उसे वो। और क्या है ना, आरसीबी का अगर इकलौता मौका जो बनेगा, अगर बनेगा भी तो वो पहले बल्लेबाजी करके ही और भाई बनेगा। अहमदाबाद का ग्राउंड चिन्ना स्वामी का ग्राउंड नहीं है कि भाई छोटी बाउंड्रीज होगी, वहां हाँ पे एक सारे ग्राउंड की इक्वल बाउंड्रीज होती है, हाँ मतलब इतनी बड़ा ही बड़ी। ग्राउंड है, हाँ सही बात इतना है। छोटा ग्राउंड नहीं है, और हाँ चलो बैटिंग पिच है, अगर बॉल लगी अच्छे बल्ले पे हाँ तो छक्का जाएगा, लेकिन वो फिर दम रखने वाला बंदा मार हाँ और सकता है। 19 नवंबर को विराट कोहली भाई भी वहां नहीं जीत पाए थे हाँ फाइनल, या जो भी कह लो, तो भाई, बैड लक तो लेकिन है। एक लेफ्टी बंदा ना आपको हर मैच जिता हरा के जाता है, उस दिन ट्रेविस हेड था, इस दिन यशस्वी जायसवाल होगा, तो वो लेफ्टी भाई तुम्हारा भूत बनाने वाला है, क्योंकि भाई उसके बल्ले से भी सिर्फ 101-50 आई है, और इस बार ना वो मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलेगा, और अच्छे खासे 50+ रन तो उसके मिनिमम आने वाले और हैं। मैं भाई संजू सैमसन वगैरह भी ये जो हो गए कप्तानी, अब 9 में से 8 मैच जीत गए थे, तो उनकी एक वीडियो भी जैसे ऐसे वायरल हुई थी अपने रूम में बैठ के ऐसे रील रील देख रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, वारियां जा रही हैं, तो भाई तुम्हारा फोकस अगर डिस्ट्रैक्ट होएगा तो तुम हारोगे ही ना, तुमने इजी ले लिया भाई, हम तो मतलब इस यहाँ के शहंशाह हो गए, शहंशाह 9 में से 8 हो जीत के, इस खेल ने गए तुम्हें दिखाई दी औकात। भाई। आईपीएल ऐसा खेल है ना, ये सबको औकात दिखाता है, और अच्छा सबसे बड़ी औकात तो इन्हें राजस्थान को दिखाई है, क्योंकि हाँ 9 में से 8 जीत के भाई यार तुम एलिमिनेटर खेलने आ रहे हो। अच्छा, वो सब लग रहा है इंसानों को, असलियत हाँ में जो खेल है वो सारा छोटू का रचा हुआ है। भाई छोटू का रचा हुआ खेलता, क्योंकि उसे आरसीबी को अंदर लाना था, और आरसीबी को अंदर लाने के लिए भाई तुम देखो क्या क्या करा, LSG, DC, तुम्हारी CSK, तुम्हारी एक और टीम थी ना पंजाब की, तो शायद अच्छा पहली बार हो गई थी, ये 3 टीमों तक को हरा दिया ताकि आरसीबी अंदर आ जाए। एक एक मैच जो जो आरसीबी के पक्ष में चाहिए था और दूसरी हाँ टीमों के हिसाब से जो भी चाहिए था सब हाँ वही हुआ है, सब वही हुआ है, बिल्कुल A to और भैंस Z को क्या पता स्क्रिप्ट ही लिखी होगी आरसीबी को आईपीएल भाई। जिताना हम है तो तो भाई सोच देखो, लो। हमने तो प्रिडिक्शन कर दिया है, अगर ये मैच बिना उसके चला ना स्क्रिप्ट के, तो भाई राजस्थान ये मैच पक्का जीतेगी, अगर छोटू की स्क्रिप्ट ही चलनी है तो भाई फिर तो कुछ कर नहीं सकते, तो भाई आरसीबी ले जाएगी फिर मैच। हाँ तो बस ये मैं यही कहूंगा, 100% राजस्थान जीतेगी अगर वो पहले बैटिंग करेगी तो, पर हाँ अगर बाद में बैटिंग करेगी तो 60-40 राजस्थान कहूंगा मैं भाई, अगर देखो बाद में भी बैटिंग करेगी ना यार, देखो आरसीबी पे इतना तगड़ा पेसर नहीं है कोई, भाई। बस वही बात है कि अगर अहमदाबाद की पिच यार आपको आपके पेसर्स को मदद देती है, वहां पे देखना सनराइजर्स वाले मैच में भी मिचेल स्टार्क फाड़ने वाला है, तो भाई वो देखना आप चीजें कि भाई जो मैच है ना आपका ट्रेंट बोल्ट, नांद्रे बरकर सही धा बात के है, खोलने वाला सही बात भाई, है, बड़े मैचों के प्लेयर हैं। बड़े मैच, अब 24 करोड़ उस पे लगाए, तो वो भी देखना दाव अच्छा खेल के जाएगा अपना।
तो यही था इसमें, तो बाकी प्रेडिक्शन कर लेते क्या लगता है इसमें कौन चल रहा है यार। मेरे को पता नहीं क्यों कोहली का फेलियर दिख रहा है, तो वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। और डुप्लेसी के भी ज्यादा रन नहीं दिख रहे, 30-40 बड़े खराब से आएंगे, मतलब उतनी बोलोगे आसपास आएंगे तो, पर वो टीम में आई जाएगा इतने में। तो डुप्लेसी हो गया, बाकी रजत पाटीदार मुझे पूरा पूरा फ्लॉप दिख रहा है, ग्लेन मैक्सवेल मुझे फिर से फ्लॉप दिख रहा है बुरी तरह, और कैमरन ग्रीन के थोड़े बहुत कंट्रीब्यूशन होगा। कैमरन ग्रीन यार ऑलराउंडर है, क्या पता है विकेट भी ले जाए क्योंकि पेसर्स को मदद मिलती है और थोड़े बहुत रन भी दे जाए, तो उसे तो आप टीम में रखना। और क्या पता इसमें दिनेश कार्तिक के रन आ जाए क्योंकि वो नीचे बल्लेबाजी के लिए आते हैं, तो एक कैमियो उनका भी दिख सकता है। बाकी बॉलर में मेरे को लग रहा है कि सिर्फ लोकी फर्गसन ऐसा बॉलर है जो आपको दो विकेट दे सकता है, नहीं तो और किसी बॉलर की मेरे को एक से ज्यादा विकेट नहीं दिख रही। हाँ, और मुझे ये लग रहा है राजस्थान का जो एक्सपेक्टर प्ले, एक पिक बता रहा हूँ आपको भाई, लिटरली कह रहा हूँ चलेगा, कूलर, उसकी जाली हमने बदलवा दिया, क्या के भाई साहब अब राजस्थान फाड़ने वाला है और ये बंदा कल फोड़ेगा। ये कूलर ना चाहे बाबर आजम के साथ खेला हो, लेकिन ये जो हिटिंग करता है ना वो उससे 10 लेवल ऊपर भाई, वो है पजामा सलवार लीग, वो है पीएसएल, जो भी है वो पजामा सलवार लीग, ये आईपीएल, यहाँ वो फाड़ेगा, फाड़ेगा भाई। पहला मैच था, वो पहला मैच खेल रहा था बंदा, और वो भी स्लो पिच थी इसलिए थोड़ा पीछे उठ गया, वो अगले मैच में फाड़ने वाला है, यशस्वी जायसवाल फाड़ने वाला है, संजू सैमसन, रियान पराग, चारों के बल्ले से रन आने वाले हैं, विकेट आपके ट्रेंट बोल्ट, यूजी चहल, नांडर, बर्गर विकेट चटकाने वाले हैं भाई। राजस्थान पूरे कैपिटल लेटर में फिर से अल्लाह बोलेगा, एलिमिनेटर जीत के जाएगा। तो यही थी हमारे मैच के प्रेडिक्शन, बाकी हमारा गिव अवे वीडियो भी आएगा, उसमें प्राइज मनी जीत सकते हो। और ऑल्सो थैंक्स टू आवर स्पॉन्सर मैक्स प्रोटीन, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।